चिड़ो चांगड़ो बदरो मास एरे आरिया बांदे आश चिड़ो चाड़ो हिमालो पाड़ो और रो चिड़ो जेव ना के मेरो चिड़ो सुनरो दे। हे एवरीवन, सुनीला प्रॉड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज संक्रांति है, हमारा जो सावन है, सावन का महीना जा चुका है और नेक्स्ट मंथ आ चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि सावन के बाद क्या आता है। वैसे हमारी पहाड़ी कहावत में बोलते हैं कि जब संक्रांत होती है तो सबसे पहले महीने का नाम नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे कि सावन के बाद वाला जो महीना है तो उसका नाम नहीं लगाते हैं, तो बोलते हैं कि वो काफ़ी लंबा लगता है। अब ये तो पता नहीं सच में लंबा लगता है या नहीं, लेकिन हम जो बुजुर्ग कहते हैं हमारे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो संक्रांति के दिन है तो नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है उसका नाम हम नहीं लगाते हैं। तो आज है हमारे पहाड़ी त्यौहार जिसे चिड़ेउल कहते हैं। तो चिड़ेउल का मतलब होता है एक मट्टी का ढेला जैसा लाते हैं हम, खास करके अपर शिमला एरिया में, जिसे चिड़ा कहते हैं। तो चिड़ा एक जैसे बोलते हैं ना कि भादो महीना, सॉरी मैंने लगा दिया नाम, तो जो ये भादो महीना होता है तो बोलते हैं कि इसे काला महीने के नाम से भी जाना जाता है। तो पुराने ज़माने में इस महीने की रक्षा करने के लिए उसका किसी देवते का प्रतीक माना जाता है, तो वो चिड़ा बनाया जाता है। तो हमारे चिड़ा लाते हैं, लेकिन आज इतनी बारिश हो रही थी कि चिड़ा नहीं ला पाए। तो उस चिड़े के ऊपर अनाज बीजा जाता है। वैसे तो सतनाजा बीजते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यहीं से ही बाहर से मिट्टी लाई है और इस हांडी में मिट्टी को डाला है और इस हांडी में मैं अनाज बीजूंगी। तो इसमें बताते हैं कि जो इसमें हम अनाज बीजते हैं तो बोलते हैं कि इससे जो आने वाले साल होगी कि उसमें अनाज कैसा होगा। अगर इसमें अनाज खूब लगेगा तो फिर पुराने ज़माने में प्रेडिक्शन करते थे कि हाँ नेक्स्ट ईयर हमारा जो अनाज है वो इतना ज़्यादा होगा। अगर इसमें अनाज नहीं लगेगा तो समझते थे कि नेक्स्ट ईयर अनाज नहीं लगेगा। लेकिन जिसके चिड़े में बहुत ज़्यादा अनाज लगता था फिर बोलते थे कि नेक्स्ट ईयर हमारी अनाज की फसल अच्छी होगी। हाँ, कईयों के लगते भी नहीं है अनाज, क्योंकि चूहे खा जाते हैं या चिड़िया चुप जाती है दाने को। तो मैं इस हांडी में चिड़ा लगाऊंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला चिड़े लाने का, तो इसमें लगाऊंगी। तो फिलहाल अभी हम पोडू बना लेते हैं, उसके बाद अनाज बीजेंगे और इसकी पूजा करेंगे। और क्या कहते हैं कि जो माघ की संक्रांति होती है, यानी कि माघ महीने की संक्रांति जिसको भरीन कहते हैं, तो ये भरीन की बहन है ये वाली संक्रांति। क्योंकि जब भरीन मनाते हैं हम, उसके बाद रबी की फसलें फलना फूलना तैयार हो जाती है और मैदानी इलाकों में तो पकना भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये वाली संक्रांति होती है चिड़ेउल हमारी, तो इसके बाद जो खरीफ की फसलें होती है वो फलना फूलना शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि सर्दी का आगाज भी शुरू हो जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति जो माघ वाली है उसमें गर्मी का आगाज शुरू हो जाता है और जो चिड़ेउल है चिड़ेउल के बाद सर्दी का आगाज शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगी, अब मुझे बनाने हैं पोल्डू और पोल्डू बनाने के बाद करेंगे हम चिड़े की पूजा, जो कि हांडी में मैंने रखा है। तो इसमें अनाज भी बीजेंगे और मेरे हस्बैंड बैठे हैं वो देखो मेरे हस्बैंड बैठे हैं और अभी इनको ना मैं पोल्डू निकालने के लिए लगाऊंगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, तो करते हैं पोल्डू बनाना स्टार्ट। और मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए मैंने कोटी खोल दी है। मसाला बना रहे मेरे हस्बैंड है, लून पायो ठीक हो। पहले मैं न्यूज पोखने के लिए बनाती हूँ तीन पोल्डू, मतलब प्लेट जिसमें हम स्टफिंग नहीं करेंगे। Thank you.
कोल्ड बन के हो गए हैं तैयार और मेरे हस्बैंड गए हैं भगवान जी की पूजा करने, और उसके बाद करेंगे हम चिड़े की पूजा, और चिड़े की पूजा हम बाहर ही करेंगे और बाहर ही उसकी बिजाई करेंगे और पूजा करेंगे। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको कि हम चिड़े की पूजा किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो मुझे भी करनी है और उसके बाद चलेंगे हम बाहर, क्योंकि जो चिड़ा होता है उसकी बिजाई बाहर ही की जाती है और उसको पूजा करके बाहर ही, घर के बाहर ही, यानी कि बाहर ली साइड स्थापित किया जाता है। तो फिलहाल अभी ये हमारा मंदिर है तो मंदिर में पूजा की जा रही है, ऐसा करें इस तरह पूजा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम बाहर, क्योंकि जो चिड़ा होता है चिड़े की पूजा बाहर ही की जाती है और अनाज भी बाहर बेचा जाता है। तो क्या होता है कि हमारे पहाड़ी कल्चर में चिड़े के ऊपर आग जलाई जाती है, तो हम जलाएंगे दिया और पहले इसको बीजेंगे फिर पूजा करेंगे और उसके तो बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बीज बीज रही हूँ। और फ्रेंड्स हम बचपन में क्या करते थे कि एक दूसरे के चिड़े के लिए कुछ लाइनें गाते थे, और ये हमारी परंपरा है कि अपने चिड़े को सुपर बनाने के लिए ये लाइनें गाते हैं कि मेरा चिड़ा दूसरे चिड़े से बेहतर है, जो कि इस तरह से गाया जाता है। चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो, चिड़ो चांगड़ो बगरो मास एरे आरिया बांधे आश, चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो, और रो चिड़ो जेव ना के मेरो चिड़ो सुनरो दे, चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो, और रो चिड़ो नाली नाल मेरो चिड़ो धारी दा, चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो, और रो चिड़ो भांग किमशी माजी मेरो चिड़ो कांडले सरा माजी, चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो, और रो चिड़ो ढोलटू माथी मेरो चिड़ो पोल्डू माथी, चिड़ो चांडड़ो घी मारी रो पाड़ो।